दोस्तों 70 के दशक में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने वाली परवीन बॉबी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। परवीन बॉबी अपने करियर में बहुत सफल रही, लेकिन दोस्तों उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही दर्द था। परवीन ने जिससे भी प्यार किया वो उसे छोड़कर चला गया। परवीन की जिंदगी में एक्टर डेनी की खास जगह थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। ये बात दोस्तों किसी से छिपी नहीं थी। परवीन डेनी के साथ में लिव इन में रहती थी। कुछ समय पहले डेनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अपने और परवीन के रिश्ते के बारे में बताया था। डेनी ने बताया था कि किस तरह उनका और परवीन का रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन वे हमेशा दोस्त रहे। दोस्तों डेनी ने कहा कि परवीन बॉबी से मैं बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उन्होंने अचानक मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए थे। डेनी ने परवीन के साथ बिताए हुए अपने दिनों को याद किया। ब्रेकअप के बाद भी दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहे। ब्रेकअप के बाद में परवीन कबीर बेदी को डेट करने लगी थी। कबीर के बाद में परवीन का अफेयर महेश भट्ट के साथ में हो गया। परवीन उन दिनों जुहू की उसी कॉलोनी में रहती थी जहाँ डेनी रहते थे। डेनी ने बताया, मैं परवीन को कभी कभी डिनर के लिए इनवाइट करता था, लेकिन तब मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की कीम आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि जब मैं कीम को शूटिंग से घर लेकर पहुंचता था तो परवीन मेरे बेडरूम में बैठकर कुछ फिल्में देख रही होती थी। मैं परवीन से पूछता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहती थी कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तब डेनी ने महेश भट्ट से कहा कि वो परवीन को समझाए कि मेरी गैर मौजूदगी में घर पर आना ठीक नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं है। तब डेनी ने ये महसूस किया था कि परवीन के साथ में सब कुछ ठीक नहीं है, वो हमेशा डरी हुई रहती है। एक बार परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो और डेनी अच्छे दोस्त है। इसके बाद जब डेनी परवीन से मिलने गए तो उन्होंने चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था। साथ ही परवीन कह रही थी कि अमिताभ के एजेंट है और अमिताभ उन्हें मरवाना चाहते हैं। महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते की बात करें तो दोनों लिव इन में रहते थे। परवीन बॉबी के लिए महेश भट्ट ने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया था। देखते देखते दोनों को रिश्ते को 2 साल हो गए। दोस्तों साल 1989 में महेश भट्ट को अचानक परवीन बॉबी के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश भट्ट जब उनके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहनकर घर के एक कोने में बैठी हुई है और उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन बॉबी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद में परवीन बॉबी ने कहा कि बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे देखकर महेश भट्ट बुरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने परवीन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद में परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी थी। डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद ही पता चला कि सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उस समय परवीन बॉबी कई फिल्में एक साथ कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का काफी डर था, सभी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। महेश भट्ट उनके इलाज करवाने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स से मिले। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों महेश भट्ट परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के काफी खिलाफ थे। वे किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस दौरान परवीन के पूर्व प्रेमी कबीर बेदी और डेनी ने भी महेश भट्ट की काफी मदद की। तमाम इलाज के बावजूद परवीन की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। परवीन की इसी बीमारी की वजह से महेश भट्ट और परवीन का रिश्ता भी खत्म हो चुका था।